गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास फिजिक्स लेसन 4th मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर 4th। थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका, आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस मूविंग चार्ज। अभी मूविंग चार्ज क्या होता है आज हम सिर्फ इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। मूविंग चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चार्ज मूव कर रहे हैं, जब चार्ज मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। तो मूविंग चार्ज का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। और तुम 10th क्लास में पढ़ चुके करंट और उसके इफेक्ट। 10th क्लास में तुमने क्या पढ़ा था, करंट और उसके इफेक्ट। तो कौन कौन से इफेक्ट थे, फर्स्ट इफेक्ट था वो था हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, तीन जो 10th क्लास में हमने पढ़े थे वो तीन टाइप के इफेक्ट थे, एक था हीटिंग इफेक्ट, एक था मैग्नेटिक इफेक्ट और एक था केमिकल इफेक्ट। थर्ड कौन सा था, केमिकल इफेक्ट। ये तीन टाइप के इफेक्ट थे करंट के। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग जूल लो जो हमने किया था 10th में, एप्लीकेशन भी थी। तो फर्स्ट क्या था, हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये दो थे हमारे सिलेबस में, हमने सिर्फ दो किए थे 10th में, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। जो केमिकल इफेक्ट है तुम मोस्टली केमिस्ट्री में डिस्कस करते हो। तो उसके बाद तुमने पढ़ा होगा मैग्नेट। तुमने नेक्स्ट टर्म जो पढ़ी है वो पढ़ी होगी मैग्नेट। मैग्नेट पढ़ा था 10th में। 10th में क्या मैग्नेट, तुम 6th-7th से पढ़ते आते हो, तुम्हें पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर नॉर्थ साउथ, अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और सेम सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल। तुम्हें ये चीज पता है, बट मैग्नेट को मैग्नेट का नाम ही क्यों दिया, ठीक है। मैग्नेट को मैग्नेट का नाम ही क्यों दिया, ये देखो क्या था, इसमें कुछ प्रॉपर्टी थी, स्पेशल प्रॉपर्टी थी, उस स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण ही इसको किसका नाम दिया गया था, मैग्नेट का। तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी, देखो पहले का जब टाइम होता था, जब बहुत टाइम पहले लोग क्या करते थे, खुदाई करते थे। जब वो खुदाई करते थे तो वहां से क्या करते थे, पत्थर निकलते थे। जब लोग खुदाई करते थे, खुदाई करते टाइम वहां से क्या निकालते थे, वो पत्थर निकालते थे। और उस पत्थर को बोला, वो होता था आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और उसको बोलते थे मैग्नेटाइट, ठीक है। जब लोग खुदाई करते थे तो वहां से क्या निकलते थे, पत्थर निकलते थे, और उन पत्थर में क्या होता था, वो आयरन ऑक्साइड, और उनका बोला जाता था मैग्नेटाइट। फिर इसकी खास बात क्या थी, जो पत्थर निकला था यानी जो आयरन ऑक्साइड था, इसकी एक खास बात थी, इसकी खास बात ये थी, अगर हम इसको किसी भी, हमने इसको उठाया, उठाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करवा देते हैं और इसको घूमने के लिए छोड़ देते हैं। उठाया और हमने इसको घुमाया और घूमने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके क्या हो जाता था, स्टॉप हो जाता था, ठीक है। ये क्या हो जाता था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके स्टॉप हो जाता था। तो वो क्या थी इसकी, वो डायरेक्शन में रुक गया जाके, तो वो क्या हो गई थी, इसकी प्रॉपर्टी हो गई थी, ठीक है। अब मान लो तुम चार्ज, एक न्यूटन साइंटिस्ट थे जो तुमने 9th में पढ़ा था, न्यूटन, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ, उसने क्या बताया था, न्यूटन ने ये बताया था कि एक बॉडी का मास, उसने बोला था एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी के मास से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसने बोला था ये मास अट्रैक्ट करता है बिना एक दूसरे को टच के, बिना टच के क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो किसकी वजह से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, फील्ड फोर्स। कौन सा फोर्स है, फील्ड फोर्स, ठीक है, उसकी वजह से क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऐसे चार्जेस में तुमने देखा होगा, सेम सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे था, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स में है। तो इसी टाइप से किस में है, मैग्नेट में है, इसी टाइप से मैग्नेट में है। मैग्नेट में तुमने क्या लिया, मान लो ये लिया तुमने मैग्नेट, ये लिया मैग्नेट, और मैग्नेट के पास तुमने रखा पत्थर, जो पत्थर निकालते थे, मैग्नेट लिया, मैग्नेट के पास रख दिया पत्थर को। अब क्या कर रहा है, ये पत्थर मैग्नेट के पास जाएगा, क्या मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर हम इस पत्थर के बजाय हम एक रोड लेते, फिर हमने क्या लिया, एक रोड लिया, और वो रोड मैग्नेट को वो भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है जो होनी चाहिए थी। फिर हम क्या करते हैं, आयरन लिया, और आयरन को मैग्नेट
लिया, अट्रैक्ट कर लिया, फट देने एकदम से मैग्नेट ने उसको क्या कर लिया, आयरन को अट्रैक्ट कर लिया। क्या है उसके अंदर, क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वो स्पेशल प्रॉपर्टी है जो किसी एक में होनी चाहिए। तो समझ आया, हमने इसका नाम क्या दिया, मैग्नेट, इसी की वजह से दिया कि वो उसको क्या कर देता था, अट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक साइंटिस्ट आए थे, उस वर्ल्ड, उस साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये तुमने 10th में पढ़ा होगा, ओस्वाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था कि उसने एक वायर ली, क्या लिया उसने, एक वायर ली, ये मान लो की है, ये लगा यहाँ पे बैटरी, उसने वायर ली और उस वायर में से क्या फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाया, ये उसने वायर ली, ये बैटरी है, ये इससे क्या है, की कैसी है, क्लोज, क्लोज की का मतलब इसके अंदर क्या फ्लो रहा है, करंट फ्लो रहा है, और इसके पास इसने रखा मैग्नेटिक कॉम्पास को, क्या रखा इसने, मैग्नेटिक कॉम्पास को रखा था। जब इसने मैग्नेटिक कॉम्पास को रखा तो इसने, जब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, हमने उसने वायर के अंदर करंट फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक कॉम्पास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ मतलब इसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुई, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्या बन रही है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कैसे बनी, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक कॉम्पास के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, जब इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी, इट मीन्स आई कैन, करंट कैन प्रोड्यूस मूविंग चार्ज इट्स मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये था इसका कंसेप्ट। फिर बात आती है जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स भी क्या है, मूविंग चार्ज, ध्यान में रखना ये पॉइंट, सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, मैग्नेटिज्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फोर्स, ए मूविंग चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, दिस इज ए मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो फोर्स क्या लगता है, हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड करंट से भी प्रोड्यूस होता है। अब हमने कोई भी ये वायर ली, ठीक है, ये जो वायर है इस वायर पे चार्ज है प्लस, प्लस चार्ज इसके ऊपर फ्लो रहा है और ये जब फोर्स लगा इसके ऊपर तो ये ऐसे बैंड हो गए, तो हमने देखना है वो जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या था। ठीक है, तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से, किसे रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फील्ड को, बी से, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, एल। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन पता है तुमने, कैसे देखते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसकी यूनिट देखो, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ये तुम सारी बातें 10th क्लास में आ चुकी, एसआई यूनिट क्या है इसकी, टेस्ला, कैसी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, एसआई यूनिट क्या है इसकी, टेस्ला। अब आओ इस पे, हमने एक वायर ली, वायर पे चार्ज फ्लो रहा है प्लस, वायर पे फोर्स लगाया तो ये क्या होगी, बैंड हो गई, तो वो फोर्स निकालना है। अब ये वायर है, चार्ज फ्लो रहा था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है भाई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स। अब जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही ज़्यादा उस पर लगेगा फोर्स, तो दूसरी बात, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, चार्ज की। ठीक है, फिर इसमें वेलोसिटी भी होगी, चार्ज मूव करे तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, देखो इस टाइप से आइए, ऐसे मूव है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है क्या, थीटा, तो थीटा दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली पता है तुम्हें कोस होता है, वर्टिकल तुम्हें पता है साइन होता है। जो करंट मैग्नेटिक फील्ड जो इन्वॉल्व होती है वो वाई, ये वी साइन थीटा में इन्वॉल्व होती है, वी कोस थीटा में इन्वॉल्व नहीं होती, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी
थीटा, ठीक है। अब फिर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, क्यू के भी, वी के भी, और वी साइन थीटा के भी क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम डायरेक्टली के निशान को उठाएंगे तो क्या आएगा, कोई कॉन्स्टेंट, क्या ले लिया मैंने, कोई कॉन्स्टेंट के क्यू बी वी साइन थीटा। ऐसा ही सिस्टम में के की वैल्यू क्या है, वन। ऐसा ही सिस्टम में जब के की वैल्यू वन है तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा। अब तुमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के जो ये एंगल था कैसे था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो कैसा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पे, 90। थीटा 90 यानी साइन 90 की वैल्यू 1, तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बी वी। फोर्स किसके इक्वल आया, क्यू बी और वी के। फोर्स क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में लिखो इसको, फोर्स किसका, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल रहे हैं, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, चार्ज एज इट इज वी मल्टीप्लाई बी, ठीक है। ये क्या निकल गया, इसके ऊपर फोर्स निकल गया कि कितनी बैंड हो, ठीक है। यहां तक है देखो, जब एक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, एक चार्ज पे जब मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, देखो जब एक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी मूव कर रही है तो क्या आएगा, फोर्स अपने आप इतना लगेगा इसके ऊपर, तो क्या लग गया, इसमें फोर्स लग गया। अगर हम यहां से मान लो बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या जाएगा, बी की वैल्यू निकालो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई क्यू बी साइन थीटा, यह आ जाएगी क्या, मैग्नेटिक, ठीक है। यहां तक एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, रीड करना, यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स क्या है और उस पर चार्जिंग सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, ठीक है।